हेलो स्टूडेंट्स, तो एट्थ क्लास के मैथ्स में हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पर पहुंच गए थे। अब मैं आपको एट्थ क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, सिंपल है क्वेश्चन ये भी, बस इसमें आपसे स्पीड की थोड़ी बात कही है। इसमें बोला गया है कि विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20:2/3 किलोमीटर इन 7:3/4 आवर्स ऑन फुट। हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। तो आपसे पूछ रहा है वो कि कितने किलोमीटर चलेगा वो एक आवर्स में। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस टाइप से आप समझिए इसको। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जो चलते हैं 20 किलोमीटर चलते हैं टोटल, और कितने आवर्स में चलते हैं आप, चलते हैं 4 आवर्स में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक घंटे में आप कितना चले होंगे। तो आप बोलेंगे सर एक घंटे में 5 किलोमीटर में चलाऊंगा। एक घंटे में अगर 5 किलोमीटर चलूंगा तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 और 4 घंटे में 20 किलोमीटर में चल लूँगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन आपकी आसान थी, इसलिए आपने इसको इस टाइप से देख लिया। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है तब दिक्कत पड़ जाएगी, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा। तो आपको देखना ये कि 5 किलोमीटर आप जो चल रहे हैं एक आवर्स में आ कहाँ से रहा है। तो आप देखेंगे ये आ रहा है आपकी जो टोटल डिस्टेंस है उसमें आपने टोटल नंबर्स ऑफ आवर का अगर भाग यानी डिवाइड दे दिया तो ये आएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब समझ में आए कि 5 आप कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 20:2/3। मैं इसे लिख रहा हूँ, इसको डिवाइड लगा के 7:3/4। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे फिर से। तो देखिए यहाँ देखते हैं, मैं आप बता रहा हूँ आपको, इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा 62/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और डिवाइडेड बाय इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30/4 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको आप चेंज कर लीजिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 32/3, इसको ऐसे रहने देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया। देखिए कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 31 टाइम्स, और इसके अलावा तो कुछ कैंसिल आपका होता दिख नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनका सबका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक तो नहीं हुई। हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डस ही वॉक। तो डिस्टेंस आपको जो दी हुई है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस 20:2/3 किलोमीटर, 7:3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60:2/3 डिवाइडेड बाय 24:3 हो जाएगा। ठीक है ना, 31 ये आपने गलत कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 62/3, डिवाइड का साइन आके इनटू का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 4/31। तो 31 से सीधे सीधे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ऊपर 2:4/3, और इसको आप लिख सकते हैं 8/3, और इसको आप लिख सकते हैं 2:2/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ये आपको नोट नहीं करना है, समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, ठीक है, जिसमें कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है 13। बाकी सारे क्वेश्चन एक से हैं, आप खुद करेंगे इनको, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि 14 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ए बकेट
कंटेन्स 20:1/4 लीटर ऑफ वाटर। ए स्मॉल जग हैज ए कैपेसिटी हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। हाउ मैनी टाइम्स द जग हैज टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टीड। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक आपके पास बकेट है जो कि 20:1/4 लीटर का है, जिसमें इतना पानी आप भर सकते हैं। ए स्मॉल जग हैज कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। एक आपके पास छोटा जग है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/4। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज बीन फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी। मतलब मान लीजिए एक आपके पास बड़ा बकेट है जिसके अंदर इतना पानी है, और आपके पास एक छोटा जग है जिसमें इतना पानी आ सकता है, तो आपको ये बकेट खाली करना है। तो आपको कितने टाइम्स इसको छोटे वाले जग को में से पानी बकेट में से लेकर बाहर फैलाना पड़ेगा, जितने की जिस की जो आपका टैंक जो है एम्प्टीड हो जाए, यानी खाली हो जाए। तो कितने बार आपको जग उसमें से भर के बकेट में से पानी बाहर फैलाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो जग है उसकी जो कैपेसिटी है वो तो 3/4 है। ठीक है ना, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एक बार में तो ये खाली होगा नहीं, तो आपको कई टाइम्स जग को बकेट में से पानी भर के बाहर फैलाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कितने टाइम्स आपको फैलाना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपके पास 20 लीटर का एक टैंक है और आपके पास एक छोटा जग है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। ठीक है, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि छोटे जग को आप कितनी बार भर के निकालना है जिसमें से कि ये जो है खाली हो जाए। तो आप बोलेंगे सर इसको मान लीजिए 4 लीटर का है आपके पास छोटा जग। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पहली बार जब हम बकेट में जग में पानी लेंगे तो 4 लीटर पानी आ जाएगा, 4 लीटर पानी, यानी पहली बार में आपने 4 लीटर पानी निकाल दिया। फिर सेकंड टाइम में 4 और निकाल देंगे तो 8 लीटर पानी निकल गया। फिर थर्ड टाइम में 4 लीटर और निकाल देंगे तो 12 लीटर निकल गया। ऐसी फोर्थ टाइम में 60 लीटर निकल गया, और फिफ्थ बार में आपका 20 लीटर भी निकल जाए। तो आप बोलेंगे सर 5 टाइम्स में जो है ये पानी 20 लीटर ख़त्म हो जाएगा अगर जग की कैपेसिटी 4 लीटर है। तो आपको देखना ये कि एक्चुअली 5 टाइम आ कहाँ से रहा है, तो आ यहाँ से रहा है कि आपने टोटल कैपेसिटी ऑफ बकेट की में डिवाइड कर दिया कैपेसिटी ऑफ जग की। तो आप देखेंगे लीटर से लीटर कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स, तो अब ये आ गया 5। तो यानी कि आपका क्वेश्चन ये है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज कर दिया है लेकिन मेथड आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 20 तो ऊपर लिया है आपने, और डिवाइड किससे किया है, जग की कैपेसिटी से, और कैपेसिटी ऑफ जग। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द जग, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 20:1/4 लीटर डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/4 लीटर। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये हो गया 81/4 लीटर डिवाइडेड बाय 3/4 लीटर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 81/4 लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। ठीक है, इसको इनटू करेंगे और इसको आप चेंज कर देंगे, तो ये देखेंगे कैंसिल हो गया, और 3 से भी 81 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 और 7, 27 टाइम्स। तो आपका कितना है आंसर, 27 टाइम्स, दिस इज योर आंसर। तो
इसी टाइप से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया 14। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। थैंक यू।